तो आज हम करेंगे आपका जो फर्स्ट चैप्टर था द क्लेवर लैड एंड ए सिक्स मैन आर्मी। तो उसी चैप्टर की आज हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आज हम करते हैं, आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा तो उसी के एक्सरसाइज देखते हैं। तो फर्स्ट में जो पॉइंट दिया गया वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग में देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जो पहला पॉइंट दिया गया इसमें दिया गया एवरी वन अराउंड द किंग ऑफ फ्रांस नेग्ड एंड पेस्टर्ड हिम अंटिल ही केम अप विद ए प्लान। जो राजा था वो उसको लोग परेशान कर रहे थे और उसकी पुत्री जी थी उसको विवाह करने के लिए। तो यहाँ पे जो फिलअप में आएगा, जो दो वर्ड दिए गए, नेक्ड मतलब होता है, आपको पहले ही बता चुकी थी मैं, नेक्ड मतलब होता है कि बार बार याद दिलाना, और पेस्टर्ड मतलब होता है परेशान करना। तो जो लोग थे वो राजा को बार बार याद दिला रहे थे और परेशान कर रहे, तभी इसके दिमाग में एक प्लान आया। नेक्स्ट जो पॉइंट है सेकंड वाला, एवरीथिंग द एल्डर ब्रदर मेड आउट ऑफ वुड टर्न इनटू द स्किटल। जो भी जो बड़ा बेटा था, जो बड़ा लड़का था, जो भी बना रहा था, वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? स्किटल, यानी कि लकड़ी का एक जो खेल होता है उसी में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है आपका, द मैन विद ए लार्ज माउथ वॉज च्यूइंग अप ए माउंटेन। जो बड़े मुंह वाला जो व्यक्ति था वो क्या क्या चबा रहा था? वो माउंटेन यानी कि पहाड़ को चबा रहा था। जो फोर्थ पॉइंट है इसमें दिया गया है, द थर्ड मैन बिलो सो हार्ड। जो तीसरा व्यक्ति था वो इतनी तेज़ी से, मतलब हवा में, हवा को, जो विंड बेल्स तेज़ी से आ रही है, हवा को भी मोड़ कर घुमा सकता था। ठीक है, तो ये विंड बेल्स इसमें भरा जाएगा। नेक्स्ट है इन ए जिफी, द प्रिंसेस माउंटेड हर हॉर्स एंड रोड ऑफ। जो फाइव वाले में है वो जिफ़ी है। जिफ़ी का मतलब मैं आपको बता ही चुकी थी पहले, जिफ़ी का मतलब होता है पल या फिर एक क्षण। तो जो जो तो उसी क्षण क्या हुआ, जो राजकुमारी है वो अपने घोड़े को लेकर रवाना हो जाती है तुरंत ही, जैसे ही पलक झपकते। जो एक वो सो रहा था ना, जो एक लॉन्ग लेग वाला, उसकी आँख जैसे ही झपक जाती है तभी जो राजकुमारी होती है वो घोड़े पर सवार होकर एक ही पल में चली जाती है। नेक्स्ट आपकी मैचिंग दी गई, जो फर्स्ट मैन था उसने क्या क्या किया था। जो यहाँ पे सिक्स मैन है जो उसकी आर्मी के थे उसी के बारे में बताया गया। जो पहला व्यक्ति था उसने क्या किया था, स्वालो द होल रिवर इन द गल्प, यानी एक ही बार में वो पूरी नदी को एक घूंट में पी जा रहा था। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति था च्यू अप ए माउंटेन, जो दूसरा व्यक्ति था वो माउंटेन को चबा रहा था। ठीक है, तो तीसरा व्यक्ति था कुड टर्न विंड मिल्स फॉर अवे, और जो जो तीसरा व्यक्ति था वो क्या था, वो दूर से आने वाली हवाओं को भी मोड़ सकता था। ठीक है, उसमें इतनी पावर थी। तो चौथा व्यक्ति था वो ही शार्पेस्ट ईयर इन द वर्ल्ड, इसके पास इतनी तेज कान थे कि वो जमीन में रेंगते हुए कीड़ों को भी सुन सकता था। ठीक है, जो पांचवा व्यक्ति था, फिफ्थ मैन थ्रो स्टोन फ्रॉम माइल्स अवे एंड हिट द टारगेट एक्यूरेटली। और जो पांचवा व्यक्ति था वो क्या करता, वो क्या कर सकता था, वो पत्थर को इतनी दूरी, बहुत ज़्यादा दूर पर, यानी मीलों दूरी तक वो हिट यानी कि मार सकता था, और उसको टारगेट करके एक्यूरेटली यानी मीलों की दूरी पर बिल्कुल सही निशाना साध के उसी जगह पे लगा सकता था। ठीक है, मार सकता था पत्थर को। छठवां था वो इतनी तेज भाग सकता था जैसे कि लाइक ए हेयर यानी कि खरगोश की तरह। ठीक है, ये आपकी हो गई एक्सरसाइज मैचिंग वाली। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ये आपको भरने हैं, फिलअप की तरह ये वर्ड। इसमें ये दिया गया है कि आपको वट हैपन वेन सेवरल लेटर्स वर्ड सेंटेंस आर स्ट्रंग टूगेदर, यानी क्या होता है जब लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं हमारे, और वर्ड्स और सेंटेंसेस जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक है, आपको उनको केयरफुली समझना है और उसको भरना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, ऑफ लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट आर स्ट्रंग टूगेदर ए मेक ए वर्ड। जो ABCD होती है हमारी अल्फ़ाबेट होती हैं, वो जब तीन चार वर्ड या दो से अधिक वर्ड जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारे वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, जो लेटर्स, दो या दो से अधिक लेटर्स जब मिलते हैं तो एक वर्ड का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो बुक दिया गया है BOOK। ठीक है, यहाँ पे चार चार लेटर्स दिए गए हैं, तो ये चार लेटर्स जो हैं क्या बना रहे हैं, हमारा एक वर्ड बना रहे हैं। ठीक है, यही इसमें समझाया गया कि जो लेटर्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, वो एक वर्ड बनाते हैं। वैसे ही इसका सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है ए स्ट्रिंग ऑफ वर्ड मेक्स ए सेंटेंस। जब बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, जैसे कि सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है ए स्ट्रिंग ऑफ ए वर्ड्स मेक ए सेंटेंस, में इसमें एक वर्ड नहीं है, इसमें स्ट्रिंग एक अलग वर्ड है, वर्ड्स एक अलग वर्ड है, मेक एक अलग वर्ड है। ठीक है, तो ये चार पांच जब वर्ड्स बन जाते हैं तो क्या बनाता है, हमारा एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, इनको सही क्रम में जब लगाते हैं तो हमारा क्या बनता है, सेंटेंस। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस मिलके क्या बनाते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ में लगभग 50 अराउंड जो वर्ड्स होते हैं वो 50
50 या फिर 50 से ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 20 या 50 लाइक ऐसे जो सेंटेंस लिखे होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, पैराग्राफ बोलते हैं। जैसे कि आप बुक पढ़ते हैं तो एक चैप्टर में कम से कम 5-6 लगभग पैराग्राफ होते हैं, ठीक है। तो जो फोर्थ पॉइंट दिया गया आपका, पैराग्राफ स्ट्रंग टुगेदर टू मेक ए एसे, जो पैराग्राफ है वो आपका मिलके क्या बनाता है, एसे बनाता है। एसे यानी कि एसे के लगभग एक चैप्टर को मान लो, एक चैप्टर अगर दिया गया है चैप्टर, तो उस चैप्टर को एसे ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे किसी के बारे में अगर आप 4-3 पेज लिखते हैं तो वो एसे कहलाता है, ठीक है। तो पैराग्राफ मिल के क्या बनाते हैं, वो एसे बनाते हैं, ठीक है। सेवरल एसे स्ट्रंग टुगेदर टू मेक ए बुक, और बहुत सारे जब एसे मिल जाते हैं तो एक क्या बुक बन जाती है, ठीक है। जैसे कि आपकी जो इंग्लिश की बुक है वो उसमें 4-5 चैप्टर दिए गए या 4-5 चैप्टर दिए हो तो वो क्या क्या कहलाएगा, हमारा एसे या एक बुक कहलाएगी, या 4-5 या फिर 10-15 जो भी जितने भी चैप्टर्स दिए हैं, तो बहुत सारे एसे मिलके क्या बनाते हैं, हमारी एक बुक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके मिलने वाले वर्ड्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया, रीअरेंज द वर्ड इन ईच लाइन टू मेक ऑर्डर और रिक्वेस्ट। जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो तो या तो ऑर्डर में दे ऑर्डर कोई दे रहा होता है या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो ऑर्डर में क्या होता है कि जो भी करता होता है वो क्या होता है, छुपा होता है ऑर्डर देने वाला, ठीक है। और अगर रिक्वेस्ट भी कर रहा है वो भी क्या, सब्जेक्ट जो होता है हमारा वो भी छुपा होता है। तो यहाँ पे जो कुछ सेंटेंस हैं उनको आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस दिया गया, यहाँ पे आपको जब भी इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस वो हम लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट जो सेंटेंस दिया गया उसमें कीप, कीप क्या है आपकी जो वर्ब है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो पहले हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया योर डॉग, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस अंडर कंट्रोल, ठीक है, तो ये लास्ट में लिखेंगे। तो ऐसे ही बाकी सेंटेंस भी बनाएंगे। राइट योर नेम, ये क्या है, राइट राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेपर। तो इसमें क्या है, जो राइट है वो हमारी वर्ब है, उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा योर नेम, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस हमने अरेंज कर दिया पीछे, ठीक है। इसी प्रकार जो ब्रिंग जैसे वर्ड हैं तो ये क्या है, ये और रिक्वेस्ट वाली चीज़ें हैं। ब्रिंग है, प्लीज़ है, ग्रांट है, काइंडली है, ये क्या है, रिक्वेस्ट वाली चीज़ें हैं। तो हम क्या करें, इनको सबसे पहले लगाएंगे। तो ब्रिंग, ब्रिंग के बाद फिर हमने क्या लगाया, ब्रिंग मी, ठीक है। और उसके बाद एक ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे जो ब्रिंग है वो क्या है, वो हमारी वर्ब है, ठीक है। अगर वर्ब पहले आई आएगी उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस वो हमने पीछे लगा दिया, ठीक। इस तरह हमने हमें बाकी भी सेंटेंस बनाना है। जैसे कि यहाँ पे प्लीज़ वाला सेंटेंस दिया गया, तो प्लीज़ क्या करना है, प्लीज़ हमको पहले लगाना है, क्योंकि प्लीज़ और रिक्वेस्ट वाले जो भी वर्ड्स हैं वो हम क्या करते हैं, वो पहले लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रांट वर्ड आया है, सेकंड जो 5 वाला नंबर है उसमें क्या आया, ग्रांट आया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम पहले लगाएंगे। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ क्या है, प्लीज़ हमारा जो रिक्वेस्ट करने वाला पहला वर्ड है, तो प्लीज़ पहले ही लगाएंगे। ऐसे ही ऑलवेज़ है, तो ऐसे ऐसे बहुत ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हम पहले लगा लेते हैं, ठीक है। तो उनका ये रूल है कि प्लीज़ और ऑलवेज़ ये सारे वर्ड जो हैं वो हम पहले लगाएंगे। काइंडली जो है ये भी एक रिक्वेस्ट वाला वर्ड है, तो हम इसको पहले लगाते हैं, उसके बाद फिर हम वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्लीज़ आया, फिर हेल्प जो है हमारा वर्ब, जो हमारी वर्ब है, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद फिर बाकी जो बचा हुआ हमारा जो भी लाइन सेंटेंस है वो हमने पीछे अरेंज कर दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ग्रांट, ग्रांट जो है वो ग्रांट मी लीव टू रिक्वेस्ट यू। यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो क्या है, ग्रांट है, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आया, फिर जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस वो हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार काइंडली, काइंडली हमारी वर्ब नहीं, काइंडली काइंडली जो है हमारा, ये भी एक तरह से काइंड जो होती है वो हमारी नाउन होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो काइंडली वर्ड है वो हमने आगे लगाया, उसके बाद अलाउ, अलाउ हमारी वर्ब है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद बाकी बचा हुआ सेंटेंस आया, ठीक है। इस तरह आपके जो एक्सरसाइज है ये वाला जो पॉइंट है वो ख़त्म होता है। आप नेक्स्ट देखते हैं टिक टॉक करेक्ट। जो टिक टॉक करेक्ट है वो हमारे देखेंगे, यहाँ पे दिया गया द किंग लव्ड हिज डॉटर सो मच। जो राजा था वो अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता, तो उसने क्या किया, सो दैट ही वॉन्टेड टू गेट हर डॉटर, सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू गेट हर मैरिड ऑफ। इसलिए वह क्या करना चाहता, वह अपनी बेटी की यानी पुत्री की शादी नहीं करना चाहता था, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो गया, क्योंकि आपने स्टोरी पढ़ी हुई, स्टोरी में सुने तो देखा हुआ कि जो राजा था वो अपनी पुत्री की शादी नहीं करना चाहता, इसलिए उसने एक शर्त रखी थी
कि जो भी उसकी पुत्री से शादी करेगा वो उसको एक जहाज, एक शिप बनाना पड़ेगा, यानी जो तब पानी, जो पानी पे भी तैरता हो और मिट्टी पे भी, यानी जमीन पे भी तैरता हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला वाला टिक द करेक्ट सही हो जाता है। ठीक है, अलॉन्ग द वे इन द फॉरेस्ट बोथ द ब्रदर्स मीट, जो रास्ते में उनको कौन मिला था, एक ओल्ड वूमैन मिली थी जिसने उसको पहले ग्रीटिंग्स यानी नमस्कार किया, जो उसके नमस्कार उसने लड़के ने स्वीकार नहीं किया और उसने आशीर्वाद दिया, उसने झूठ भी बोला था कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। बुढ़िया ने पूछा था कि क्या, कि तुम क्या बनाने जा रहे हो, तो उस बच्चे ने यानी इस लड़के ने कहा था कि मैं स्किटल बनाने जा रहा हूँ, तो बुढ़िया ने आशीर्वाद दिया कि हाँ चलो जाओ तुम वही बनेंगे। ठीक है, इस तरह से तो उसकी ब्लेसिंग्स जो थी वो उस लड़के को लग गई और वो जो भी बना रहा था, शिप बना रहा था, तो शिप नहीं बना। ठीक है, इस तरह से जो रास्ते में कौन मिला था, उसको एक बूढ़ी औरत मिली थी। वेन द यंगर ब्रदर टुक द शिप टू वार द कैसल ही फर्स्ट मीट ए मैन, जब जो यंगर ब्रदर, जो दोनों छोटा भाई था, जो वो किसकी ओर बढ़ा यानी महल की ओर बढ़ा, तो वो पहले फर्स्ट टाइम किस पे मिला था, वह एक ऐसे हु कुड शॉलो द होल रिवर, वह ऐसे व्यक्ति से मिला था जो क्या कर रहा था, नदी को एक घूंट में ही पी रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट जो मैन था वो उसी से मिला था, जिसका नाम एक रिवर ड्रिंकर था। ठीक है, यानी नदी को पीने वाला, तो वो क्या कर रहा था, जो रिवर ड्रिंकर था वो एक ही घूंट में सारी नदी को, एक सारी नदी को पी रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा 4 पॉइंट दिया कि द ड्रैंक ऑल द सोर वाइन इन द किंग सेलर, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो, जिसने सारी जो राजा के यहाँ वाइन के जो बोतल्स रखी हुई थी वो सारी ख़त्म कर दी, तो किसने रखी, वो था रिवर ड्रिंकर, क्योंकि जब एक पूरी नदी को पानी में, पूरी नदी को जब एक ही घूंट में पी सकता, तो वो सारा यही बारे, मतलब सारी जो क्या कहते हैं, जो कड़वी वाइन थी वो भी उसने, उसी ने ड्रिंक कर ली, और तो कोई इतना इतना पीने वाला था नहीं, क्योंकि और किसी में इतना पावर नहीं थी, जो रिवर ड्रिंकर था उसी में ये साहस था, तो उसी ने ये काम कर लिया, क्योंकि उसके लिए आसान था, वो जब एक नदी को एक घूंट में पी सकता तो फिर बॉटल तो बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो सारी बॉटल्स जो थी वो उसने एक ही घूंट में, एक ही करके सारी बॉटल्स जो थी वाइन की वो ख़त्म कर दी। ठीक है, इस तरह आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर आगे पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।